मैं ये नहीं कहता हूं कि यही सही है और एक ही मेथड है जो सही है, बट हाँ अगर आप इस चीज को यूज करोगे तो आप अपनी लाइफ में बेहतर रिजल्ट पा सकते हो। साथियों नमस्कार, मेरा नाम निर्मल यादव है और स्वागत करता हूं आपका अपने इस YouTube चैनल में। आप अपने लाइफ में सफलता चाहते हैं तो सबसे मुश्किल काम को सबसे पहले करने की आदत डालिए। जी हाँ दोस्तों, सबसे मुश्किल काम सबसे पहले करने की आदत। अगर आपको पता नहीं है कि सबसे मुश्किल काम सबसे पहले कैसे करें और क्या नियम है, तो ये बुक, मैं आजकल ये बुक पढ़ रहा हूं, सबसे मुश्किल काम सबसे पहले, ब्रायन ट्रेसी के द्वारा लिखी गई है। बहुत ही जबरदस्त बुक है दोस्तों, और इसमें अलग अलग लेवल पर जाके हम कैसे प्रोक्रास्टिनेट करते हैं और उससे कैसे बाहर निकला जा सकता है, ये सारी टेक्निक्स शेयर की गई है दोस्तों इस बुक से। मैं यहां पर सफलता का एक महान नियम बताने जा रहा हूं। इस पैराग्राफ का टॉपिक ही है कि सफलता का एक महान नियम क्या है। कागज पर सोचे, जब भी आप सोच रहे हैं तो उसे कागज पर लेके आए। सिर्फ 3% वयस्कों के पास ही स्पष्ट लिखित लक्ष्य होते हैं। ये लोग समान योग्यता या बेहतर शिक्षा वाले उन लोगों से 5-10 गुना ज्यादा हासिल कर लेते हैं, जो जाने क्यों यह लिखने का वक्त कभी नहीं निकाल पाते कि वे दरअसल क्या चाहते हैं। लक्ष्य निर्धारित और लक्ष्य हासिल करने का एक शक्तिशाली फॉर्मूला है जिसका इस्तेमाल आप जिंदगी भर कर सकते हैं। इसके 7 आसान कदम है। अगर आपने अब तक ये कदम उठाना शुरू नहीं किया है तो इनमें से कोई भी एक कदम आपकी उत्पादकता को 2-3 गुना बढ़ा सकता है। लेखक कहते हैं कि मुझसे सीखने वाले कई लोगों ने 7 हिस्सों की इस सरल विधि की बदौलत सिर्फ कुछ सालों में, कई बार तो चंद महीनों में ही अपनी आमदनी नाटकीय ढंग से बढ़ा दी है। तो क्या है वो कदम, एक एक करके हम 7 कदम देखेंगे। पहला कदम है, स्पष्ट रूप से तय करें कि आप चाहते क्या है। जी हाँ दोस्तों, जिसकी मैं हर बार बात करता हूं वही इस बुक में लिखा हुआ है और शायद कहीं ना कहीं इस बुक से ही लर्निंग मिली होगी, बट मुझे पता नहीं था। कल मैं पढ़ रहा था इसलिए मुझे ये समझ में आया कि सफलता के लिए महान नियम क्या है वो लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, इसलिए मैं आपके साथ ये चीज शेयर कर रहा हूं। पहला कदम है कि स्पष्ट रूप से तय करें कि आप चाहते क्या है। इस बारे में आप खुद फैसला कर सकते हैं या फिर बॉस के साथ बैठकर अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों पर बातचीत कर सकते हैं। जब तक कि आपके सामने एकदम स्पष्ट ना हो जाए कि आपसे क्या अपेक्षा की जाती है और प्राथमिकता के किस क्रम में की जाती है। हैरानी की बात यह है कि बहुत सारे लोग सिर्फ इसलिए हर दिन बहुत कम मूल्यवान काम करते चले जाते हैं क्योंकि उन्होंने अपने मैनेजर के साथ महत्वपूर्ण बातचीत कभी की ही नहीं। अब अपनी लाइफ से देख लीजिए, आपके लक्ष्य जब क्लियर होते हैं तो आप उस पर कितना स्पीड से जाते हो और कितने आसानी से चले जाते हो, बट वहीं पर जब लक्ष्य ही क्लियर नहीं हो तो जाता ही नहीं है आदमी, उस रास्ते नहीं जाता है जहां से सफलता मिलती हो। समय का एक बहुत खराब इस्तेमाल, किसी ऐसी चीज को बहुत अच्छी तरह करना है जिसे करने की कोई जरूरत ही नहीं। स्टीफन कवी कहते हैं, सफलता की सीढ़ी पर सरपट चढ़ने से पहले यह पक्का कर ले कि यह सही इमारत से टिकी हो। दूसरा कदम, इसे लिख लें, कागज पर सोचे। लक्ष्य लिखकर आप इसे एकदम सटीक बना देते हैं और मूर्त आकार दे देते हैं। आप ऐसी चीज का सृजन करते हैं जिसे आप छू और देख सकते हैं। दूसरी तरफ जो लक्ष्य या उद्देश्य लिखा नहीं जाता है वह सिर्फ एक इच्छा या फंतासी ही रहता है और इसके पीछे कोई ऊर्जा नहीं होती। अलिखित लक्ष्य दुविधा और अस्पष्टता, गलत दिशा और असंख्य गलतियों की ओर लेके जाते हैं। तीसरा कदम है, अपने लक्ष्य की समय सीमा, डेडलाइन तय कर लें। यदि जरूरी हो तो उस मुख्य समय सीमा को कुछ छोटी छोटी समय सीमाओं में बांट ले। समय सीमा तय न की गई हो तो लक्ष्य हासिल करने की कोई जल्दबाजी नहीं होती है। ऐसे लक्ष्य की न तो एक वास्तविक शुरुआत होती है और न ही कोई वास्तविक अंत होता है। समय सीमा और काम पूरा करने की निश्चित जिम्मेदारी स्वीकार किए बिना आप स्वाभाविक रूप से टाल मटोल करते रहेंगे और बहुत कम कोशिश करेंगे। तो तीसरा कदम है, समय सीमा जरूर फिक्स करें, डेडलाइन जरूर फिक्स करें। चौथा कदम है, उन सभी कामों को एक सूची बनाएं जो आपके मुताबिक लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपको करने होंगे। जब भी इससे संबंधित कोई नया काम दिमाग में आए उसे भी सूची में जोड़ ले। सूची तब तक बनाते रहें जब तक
कि यह पूरी ना हो जाए। ऐसी सूची ज्यादा बड़े काम या उद्देश्य की स्पष्ट तस्वीर होती है जिसे आप हमेशा देख सकते हैं। यह आपको दौड़ने का रास्ता ट्रैक बना देती है। यह इस संभावना को काफी बढ़ा देती है कि आप अपना मनचाहा लक्ष्य हासिल कर लेंगे और समय सीमा के भीतर ही कर लेंगे। पांचवा कदम है, सूची को योजनाबद्ध रूप दें। इसे प्राथमिकता और क्रम के आधार पर व्यवस्थित करें। अच्छी तरह सोच विचार कर यह फैसला करें कि आपको कौन सी चीज पहले करनी है और कौन सी चीज बाद में करनी चाहिए। यह भी तय करें कि किसी चीज को करने से पहले और बाद में आपको क्या करना होगा। इससे भी बेहतर होगा कि आप योजना को पूरी तरह दृश्यात्मक बना लें। मसलन एक कागज पर बॉक्स और गोले बना लें जिससे तीरों और लकीरों के जरिए हर काम का बाकी कामों से संबंध बताया गया हो। परिणाम देखकर आप हैरान रह जाएंगे। जब आप अपने लक्ष्य को निश्चित कामों में बांट लेते हैं तो उसे हासिल करना बहुत आसान हो जाता है। लिखित लक्ष्य और कर्म की व्यवस्थित योजना की बदौलत आप उन लोगों से बहुत ज्यादा उत्पादक और असरदार बन जाएंगे जिनके लक्ष्य सिर्फ मन में होते हैं। छठा कदम है, अपनी योजना पर तत्काल अमल करें। आपकी जो भी योजना है उस पर तत्काल इम्प्लीमेंटेशन करें। कुछ भी करें, औसतन योजना जिस पर उत्साह से अमल किया जाए उस बेहतरीन योजना से ज्यादा अच्छी होती है जिस पर बिल्कुल भी अमल नहीं किया जाता है। किसी भी प्रकार की सफलता हासिल करने के लिए अमल अनिवार्य है और यही सब कुछ है। सातवां कदम है, हर दिन कुछ न कुछ करने का संकल्प करें जो आपको अपने प्रमुख लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ाए। उस गतिविधियों को अपनी दैनिक समय सारणी डेली शेड्यूल में शामिल करें। आप यह तय कर सकते हैं कि हर दिन किसी खास विषय पर इतने पेज पढ़ेंगे या इतने संभावित ग्राहकों या पुराने ग्राहकों से मिलेंगे या मिलने जाएंगे या इतनी देर तक कसरत करेंगे या किसी विदेशी भाषा में इतने नए शब्द सीखेंगे। काम चाहे जो भी हो, आप इसमें एक दिन भी चूक नहीं कर सकते। आगे की तरफ जोर लगाते रहें। जब एक बार आप चलना शुरू कर दें तो फिर लगातार चलते रहें, बीच में ना रुकें। यही निर्णय और अनुशासन लक्ष्य हासिल करने के गति को और आपकी उत्पादकता को नाटकीय ढंग से बढ़ा देगा। यानी ये पॉइंट्स है दोस्तों, ये 7 पॉइंट है जिसको अगर आपने अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट किया तो आपकी उत्पादकता बढ़ जाएगी, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। हम कहीं ना कहीं हमारे लक्ष्य जो निर्धारित करते हैं वो केवल मन में बना रहता है। मन में एक डायरेक्शन चलने की कोई मजबूरी नहीं होती। वो अभी इधर जा रहा होता है, अभी धीरे से ट्रैक बदल के उधर चल देता है, अभी यू टर्न लेके पूरी तरह से घूम जाता है। यानी लाइफ को एक डायरेक्शन में नहीं देता। लेकिन वहीं पर जब आपका लक्ष्य निर्धारित हो जाए, आपके आंखों के सामने आ जाए कि आपको ये वे से जाना है और ये लक्ष्य हासिल करना है, तो अब आप उसमें अपना बेहतर देने का प्रयास करते हो। तो कोशिश करिए कि इन 7 स्टेप्स में अपनी लाइफ को बेहतर बनाया जाए। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये थॉट अच्छा लगा होगा। ये बुक बहुत ही पावरफुल है। अगर आपको अपनी लाइफ में सफल होना है और सफलता निश्चित पाना है तो ये स्टेप्स लेने पड़ेंगे। ये 7 स्टेप्स आपके जीवन को नाटकीय ढंग से बदलने के लिए कारगर होंगे। तो जब भी आपको लगता है कि आपके लाइफ में सफलता रुक रही है तो ये स्टेप्स फॉलो कीजिए और इन स्टेप्स को फॉलो करके अपनी लाइफ को बेहतर बनाने का प्रयास कीजिए। आपके लाइफ में नाटकीय ढंग से रिजल्ट मिलने लगेंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपका लाइफ को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मैं ये बुक पढ़ रहा था और बुक पढ़ने का और समझने का सबसे बेस्ट तरीका है कि इसे लोगों के साथ शेयर करो। आप इस तरह से सीखो कि आप लोगों को सिखा पाओ, ताकि आपका माइंड ज्यादातर ज्यादा रिकॉल करता है, ज्यादा चीजें सीखने की कोशिश करता है। तो जब भी आप कोई भी चीज लर्निंग ले रहे हो तो इस तरह से लो कि आप उसको दूसरों को देने वाले हो। देखो आपका माइंड उस लेवल पे जाके सोचने लगता है। तो इस तरह से आपकी लाइफ और भी बेहतर होती चली जाएगी। तो जो काम आप करना चाहते हो उसमें बेहतर ढंग से एक वे तय करो कि मुझे इस रास्ते से ऐसा 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 करके जाना है तो मेरे को सफलता मिलेगी, तो मेरा लक्ष्य हासिल होगा और इससे आप अपने लक्ष्य तक एक दिन आसानी से पहुंच जाओगे।
दोस्तों कोई भी शिकायत है तो कमेंट कीजिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को टैप करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कीजिए ताकि नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।